हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। मैं आपको पढ़ाती हूँ पेपर वन, यूजीसी नेट पेपर वन की हम तैयारियाँ कर रहे हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग जी सभी को। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए टाइमली। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। और एक बार मुझे कन्फर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज़ क्लियर। नोमन कुमार जी गुड इवनिंग। पूजा जी गुड इवनिंग। गुड्डू कुमार रॉय जी गुड इवनिंग। मेनाज खान गुड इवनिंग। ऑल क्लियर मैम। ओके गुड, ठीक है। आज हम करने वाले हैं, आपका यूनिट 4 चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यूनिट 4 कम्युनिकेशन का। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हम करने वाले हैं आज भी। किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइमली, ठीक है। और एक बात, आज आप लोगों को पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगी, क्लास के बाद में भी 10 बजे तक आप लोगों को पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, ठीक है जी। किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए एक बार मुझसे, नहीं तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी डाउट है आप लोगों का? आज फर्स्ट डे है मैम। किस चीज़ का फर्स्ट डे है? क्लास का फर्स्ट डे है किस चीज़ का? पूजा जी कितने डेज चलेगी कम्युनिकेशन की क्लास? मे बी 10 अगस्त तक मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। आज हो गया है आपका 5 और कल संडे है, 7 to 8 आपकी क्लास होने वाली है यूट्यूब पर। उस पर 2022 के PYQ करवाऊँगी, क्योंकि 2023 के मैंने ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दिए। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किया है यूट्यूब पर, वो प्लीज़ देख लेना यूट्यूब पर क्लास। फिलर फॉर्म जो आपका चैनल है फिलर फॉर्म यूट्यूब पर चेक कर लेना वहाँ पर, ठीक है। और अभी आपकी 8 और 9 को भी PYQ करवाऊंगी, वो करवाऊंगी मैं 2022 के, ठीक है। 2023 के हो गए ऑलमोस्ट, 2022 के करवाऊंगी मंडे एंड ट्यूसडे को। उसके बाद अभी देखो हमारा कम्युनिकेशन में आपका मॉडल हो गया, ठीक है। और आपका रहता है जी कम्युनिकेशन में टाइमलाइन मींस या हिस्ट्री बोल लो आप, उसमें एक दिन लग जाएगा हिस्ट्री में। और रहता है जी आपका मास कम्युनिकेशन, बस ये चीज़ें रहती है, बाकी ऑलमोस्ट आपका कम्युनिकेशन कवर है, ठीक है। तो देखते कितने दिन लगते हैं और कितने क्लास में होता है। 2-3 क्लास में होगा तो फिर ठीक है, थोड़ा सा साथ। 2023 PY कम्प्लीट हो गई मैम। हाँ जी, 2023 PYQ कम्प्लीट हो गई है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने वहाँ पे लिए थे आप लोगों के लिए, ठीक है, और वो आपका ऑलमोस्ट कम्प्लीट है 2023 का। 2022 का करूँगी मैं मंडे एंड ट्यूजडे को, ठीक है जी। हाँ, ये देख सकते हो आप लोग, माय नेम इज़ प्रियंका। ओके, पेपर वन यूजीसी नेट 2023 के लिए तैयारी करवा रही हूँ। दिसंबर बैच आप लोगों का स्टार्ट है। यूट्यूब पर मेरी क्लास होती है 9 PM to 10 PM। और किस किस दिन क्लास होती है? मंडे एंड ट्यूसडे, 2 डेज क्लास होती है। और क्या करवा रही हूँ मैं यूट्यूब पर? कम्युनिकेशन करवा रही हूँ आप लोगों का, यूनिट 4 PYQs, ठीक है जी। और ऐप पर आपकी क्लास होती है 7 PM to 8 PM। किस किस दिन क्लास होती है आपकी? वेडनेसडे टू सैटरडे, टाइमिंग 7 PM ऐप पर। और ऐप पर यूनिट 4 आप लोगों का चल रहा है कम्युनिकेशन का, क्लियर है जी। और इसमें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ थ्योरीज, ठीक है, थ्योरी करवा रही हूँ इस पर। यूट्यूब पर ओल्ड क्लास कैसे मिलेगी? प्ले स्टोर प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है फिलर फॉर्म की, ठीक है जी। फिलर फॉर्म की प्लेलिस्ट में जाना है यूट्यूब चैनल का। वहां पर आप लोगों की मेरी इमेज लगी है सामने, प्रियंका, ठीक है, यूनिट पेपर वन की। वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे होगा, कौन से दिखाती हूँ अपने, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगी मैं तब तक। फिलर फॉर्म देखो, यहाँ पर गए, ठीक है, ये गए यहाँ पर, और शॉर्ट्स है, वीडियोस है, लाइव है, और प्लेलिस्ट में गए। ये देखो यहाँ पे 24 वीडियोस दिख रहा है आप लोगों को, पता नहीं मुझे, क्योंकि अभी मुझे मैसेज शो नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो मेरी इमेज, यहाँ पे गए प्लेलिस्ट पे, ये देख लो सारी क्लासेस शो हो रही होगी अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। इस तरह से जाके देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पर। और मुझे मैसेज तो दिखाई नहीं दे रहे थे आप लोगों के। ओके जी, प्लेलिस्ट में जाके मैम प्लीज़ रिप्लाई।
अभी मैसेज देखती हूँ आपका, प्लीज़ रिप्लाई, नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा कम्युनिकेशन आपका, नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, या तो टीचिंग करेंगे या रिसर्च करेंगे या फिर पीपल एंड डेवलपमेंट करेंगे। मैं बता दूंगी क्या करना है, ठीक है, मैं बता दूंगी। अगर आप चाहते हो कि टीचिंग से स्टार्ट करें, फिर टीचिंग रिसर्च एंड पीपल एंड डेवलपमेंट करेंगे, आरसी सबसे लास्ट में करवाऊंगी। क्लियर है? ओके मैम, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हाँ जी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट करवा देंगे। ओके जी, यूट्यूब की क्लास का पता लग गया सभी को, टाइमिंग एवरीथिंग, सभी थम्स अप दे दो और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए प्लीज, अभी क्लास में कोई नहीं बोलेगा, बोल दिया मैंने, आज पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी अभी क्लास हुई आपकी कल और आज की, वो पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बाकी आपकी पिछली पीडीएफ अपलोड है। वेरी गुड सभी को। हाँ जी सभी प्लीज थम्स अप दे दो, बी रेडी क्लास के लिए, बी रेडी सभी। ठीक है, कल हमने किया जी, किया था जी, एक तो मैंने आपको एरिस्टोटल बताया था, लीनियर मॉडल, ठीक है, लीनियर मॉडल था आपका, ये हमारा हो गया बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर मॉडल था आपका, एरिस्टोटल था उसमें, आपका लास्टवेल था, शैनन वीवर था, और आपका बर्लो था। मुझे बताना एरिस्टोटल, एक एक लाइन में बताना है एरिस्टोटल क्या है, शैनन वीवर क्या है, क्या शैनन वीवर ने डेवलप किया है, एरिस्टोटल का क्या मतलब है, क्या डेवलप किया है एरिस्टोटल के थ्रू, और बताना मुझे लास्टवेल का, ठीक है, उसको और क्या बोला जाता है लास्टवेल को, जल्दी से बता दो। टीचिंग एप्टीट्यूड ही करा देना। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि टीचिंग रिसर्च ऐसे स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है, टीचिंग रिसर्च इस तरह से, ठीक है जी। हाँ जी, रिप्लाई करो प्लीज जल्दी से। एरिस्टो जो आपके लीनियर मॉडल था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर मॉडल क्या है, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन है, नो फीडबैक है, मास कम्युनिकेशन में यूज होता है। आपको ये पता होना चाहिए लीनियर मॉडल के अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं, एरिस्टोटल, शैनन वीवर, लास्टवेल, और हो गया जी आपका बर्लो का मॉडल। अब एरिस्टोटल क्या बोलता है, लास्टवेल क्या बोलता है, शैनन वीवर क्या बोलता है, ठीक है, और आपका बर्लो क्या है, ठीक है, बर्लो क्या है बता दो जी। परसेप्शन, एरिस्टोटल रेटोरिक, वेरी गुड, वीवर नॉइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शुभ संध्या महोदय जी, वाह क्या हिंदी लिखी आपने, शुभ संध्या जी। इफेक्ट हो गया आपका लास्टवेल का, ठीक है, इफेक्ट लास्टवेल का हो गया, मेगा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, एसएमसीआर मॉडल हो गया आपका बर्लो का, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। हमने यहाँ शैनन वीवर कर लिया था आप लोगों का, ठीक है, लास्टवेल कर लिया था, यहाँ पे हम कर रहे थे, ठीक है, ये हम कर रहे थे कल। ओके ये है जी आपका बर्लो का मॉडल है, बर्लो का मॉडल है एसएमसीआर, जिसमें हमने देखा था एस फॉर सोर्स, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल एंड आर फॉर रिसीवर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना सभी, कल हमने एक लास्ट वेल मॉडल पढ़ा था, ठीक है, लास्ट वेल का मॉडल हमने कल पढ़ा था, उसमें एनालिसिस थे, ठीक है, उसमें एनालिसिस थे, वो एनालिसिस बता दो मुझे अभी, हु सेंडर, और एनालिसिस बता दो सेंडर का, जल्दी से रिप्लाई करो, सेंडर का एनालिसिस बता दो क्या है, मैसेज, मैसेज का एनालिसिस बता दो क्या है, मीडियम का एनालिसिस बता दो क्या है, लीनियर मॉडल वन वे, वेरी गुड, ठीक है, हाँ जी ठीक है, एनालिसिस कंट्रोल, वेरी गुड, मैसेज का बताओ, मैसेज का बताओ कंटेंट, वेरी गुड, मीडियम का बताओ, मीडियम का मीडिया, वेरी गुड, रिसीवर का बताओ, ऑडियंस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, आज तो छा गए भी तुम। इफेक्ट का बताओ, सॉरी इसका बताओ, हाँ फीडबैक का बताओ, फीडबैक या इसका बताओ, फीडबैक का बताओ, विद व्हाट, विद व्हाट का बताओ, विद व्हाट इफेक्ट बताओ जल्दी से, इफेक्ट एनालिसिस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, यहाँ से क्वेश्चन आया है इसलिए, ठीक है, इसलिए अगर यहाँ पे रिसीवर हो या फिर यहाँ पे ऑडियंस हो तो आपका ऑडियंस ही रहेगा एनालिसिस, ये भी याद कर लेना, WH फैमिली जो लास्ट वेल का है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। हिंदी वाले प्लीज एक बार अपने भी यहाँ पे सर्च कर लेना इसको, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ऑडियंस को, मीडिया को, कंटेंट को, कंट्रोल को, हिंदी वाले अपने भी यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है, एक बार।
कंट्रोल कंटेंट मीडिया ऑडियंस इफेक्ट, वेरी गुड प्रियंका जी। हाँ जी, सभी को क्लैपिंग हो जाए आज तो। ठीक है जी, अब बल्लू के मॉडल में हम चलते हैं। ठीक है, ये था जी हमारा बल्लू का मॉडल, SMCR। एस के सेंटर में आएगा एस और मीडियम के सेंटर में आएगा इनकोड, चैनल और रिसीवर के सेंटर में आएगा डिकोड। अच्छा, मुझे ये बताना है जहाँ पे चैनल में नॉइस आ जाता है वो कौन बोलता है, चैनल के साथ जहाँ पर नॉइस आ जाता है ये किसने बोला है? मैम कल की रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। है कल की रिकॉर्डेड क्लास? क्यों नहीं है? है कल की रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव में जाके मेरे पास तो शो हो रही है रिकॉर्डेड क्लास वीवर ने। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, जहाँ पे परसुएशन की बात आ जाए वो कौन है? परसुएशन करना, इन्फ्लुएंस करना या फिर रिटोरी करना, वो कौन है? कौन ऐसा बंदा है जो परसुएट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है? एरिस्टोटल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। WH फैमिली को कौन यूज करता है? और इफेक्ट, इफेक्ट कौन बताता है? इफेक्ट थ्योरी बोलो या फिर जैसे हमने परसुएशन बनाया था एक, कौन है वो जो WH फैमिली का यूज करता है या फिर इफेक्ट थ्योरी बोलो? लास्ट वाला। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ओके, बल्लो का मॉडल SMCR मॉडल है। ठीक है, एग्जाम में प्लीज कंफ्यूज मत होना, जैसे कि मैंने बताया था कि SMCR मॉडल पूछ लिया, कर लिया जी लास्ट वाला आंसर में। वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल कल्चर। ठीक है, सोशल कल्चरल सिस्टम, और यही रिसीवर के अंदर होगा, इसीलिए तो फीडबैक नहीं होगी, क्योंकि जिस सिस्टम में मैं हूँ, जो एटीट्यूड मेरा वही आपका, जो कम्युनिकेशन मेरा वही आपका, स्किल सेम एज इट इज, तो हमें फीडबैक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, हम तो एक जैसे हैं। ठीक है, हम तो एक जैसे हैं, मीन्स मुझे ये है, मुझे ये पता है कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है, तो इसलिए फीडबैक की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, SMCR की फुल फॉर्म। अब सोर्स कौन था? सोर्स कौन था आपका? सेंडर था सोर्स। ठीक है, अब जो सेंडर है, सपोज मैं हूँ सोर्स, मैं सेंडर हूँ। ठीक है, अब जो सेंडर है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो संचार कौशल उसके अंदर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। वक्ता को पता होना चाहिए कि कब रुकना है, क्या दोहराना है, किस शब्द का उच्चारण कैसे करना है। रवैया, दूसरे स्रोत को सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है, इसके बिना एक महान वक्ता भी कभी विजेता के रूप में उभर नहीं पाएगा। स्रोत को प्राप्तकर्ता पर स्थायी प्रभाव डालने की आवश्यकता है, मीन्स उसका रवैया या फिर आप बोलो उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, ताकि दूसरे बंदे पर उसका इफेक्ट पड़े। सेकेंडली, द सोर्स नीड द राइट एटीट्यूड। एक राइट एटीट्यूड, देखो एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, आप लोगों को पता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो आप ये मान के चलो कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि दूसरे बंदे पर आपका जो एटीट्यूड है उसका इफेक्ट क्या पड़े, गुड पड़े। विदाउट इट नॉट इवन अ ग्रेट स्पीकर वुड एवर इमर्ज एज अ विनर। द सोर्स नीड्स टू मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द रिसीवर। ठीक है, नॉलेज, अब यहाँ पे है ज्ञान। हमारी सूची में तीसरा तत्व ज्ञान है। यहाँ ज्ञान का तात्पर्य शैक्षिक योग्यता से नहीं है, यह उस जानकारी की स्पष्टता से संदर्भित करता है जिसे स्रोत प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करना चाहता है। अब यहाँ पे जो ये नॉलेज की बात करे, ये नहीं बोल रही कि आप लोगों के पास डिग्रियां हो, कम्युनिकेशन तो अनपढ़ लोग भी करते हैं। ठीक है, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी कम्युनिकेशन करते हैं, बट जिस बात पे आप बात कर रहे हो उस बात का आपको ज्ञान होना जरूरी है। देखो, द थर्ड एलिमेंट ऑन ऑल लिस्ट इज नॉलेज। या नॉलेज डस नॉट रेफर टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब मान लो आप जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हो भाई, उस टॉपिक पर आपको फुल नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आधा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। ठीक है, बोलते हैं ना जो आधा घड़ा होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ओके जी, इनकोडर, हाँ SM के बीच में आएगा इनकोडर, CR के बीच में आएगा डिकोडर, ये भी याद रखना, समटाइम आपसे सिक्वेंस भी पूछा जा सकता है। तो नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपके पास डिग्रियां हो, आपके पास क्वालिफिकेशन हो, बट नॉलेज का मतलब ये कि आप जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हो आपको उसकी पूरी नॉलेज हो। ठीक है, सोशल सिस्टम, मूविंग ऑन द फोर्थ एलिमेंट ऑन द लिस्ट, द सोशल सिस्टम, द सोर्स शुड बी फेमिलियर विद द सोशल सिस्टम इन विच द कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, दैट वुड हेल्प द सोर्स नॉट टू ऑफेंड एनीवन।
अब देखो सामाजिक व्यवस्था क्या है, सूची में चौथे तत्व पर आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था, स्रोत को उस सामाजिक व्यवस्था से परिचित होना चाहिए जिसमें संचार प्रक्रिया होती है, इससे स्रोत को किसी को ठेस ना पहुंचने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब लाइक इंडिया का सोशल सिस्टम अलग है, फॉरेन का सोशल सिस्टम अलग है, आप लोगों का अलग है, हिमाचल का अलग है, आप जिस जिस भी जगह से जिस स्टेट से रहते हो आप लोगों का सबका सोशल सिस्टम अलग है। तो इस तरह से होना चाहिए एक सोर्स को या फिर एक सेंडर को कि आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, देन आपका कल्चर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कल्चर टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन द सोर्स नीड टू एक्वाइंटेड विद द कल्चर इन विच द कम्युनिकेशन एनकाउंटर इज टेकिंग प्लेस, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कल्चर, अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, संस्कृति प्रभावी संचार प्राप्त करने के लिए स्रोत को संस्कृति से परिचित होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो पता ही है आपको, जिसमें संचार मुठभेड़ हो रही है, ये अंतर सांस्कृतिक संचार के विशेष रूप से महत्वपूर्ण, ये हम पहले कर चुके। ठीक है, कल्चर हो गया, सोशल सिस्टम हो गया, ये सारा हद जल गगरी छलकत जाए। हाँ जी, ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, द मैसेज, मैसेज जो हमने भेजना है, सोर्स की तो बात होगी, सेंडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मैसेज की बात हो रही, कंटेंट, जैसे कि मेरा ये कंटेंट है, क्या कंटेंट है मेरा, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये मेरा कंटेंट है। सिंपली पुट, दिस इज द स्क्रिप्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, कि हम क्या बोलना चाहते हैं, सामग्री, सीधे शब्दों में कहे तो ये बातचीत की स्क्रिप्ट है। ठीक है, कि हमारी क्या बातचीत होने वाली है, एलिमेंट। स्पीच अलोन इज नॉट इनफ फॉर द मैसेज टू बी फुली अंडरस्टूड, दैट इज वाई अदर एलिमेंट्स हैव टू टेकन इनटू अकाउंट, जेस्चर होगी, बॉडी लैंग्वेज होगी, फेशियल एक्सप्रेशन होगी, ये एलिमेंट। ठीक है, ये चीजें इंक्लूड होती है, कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैंने जो यहाँ पे पीपीटी बनाई है बस यही होगा। अब मैं किस तरह से आप लोगों को समझा रही हूँ, मेरे क्या जेस्चर्स है, मेरे क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या फेशियल मेरा एक्सप्रेशन है, वो भी हमारे कंटेंट पे प्रभाव डालते हैं। देन ट्रीटमेंट, उपचार, जिस तरह से स्रोत संदेश के साथ व्यवहार करता है उन्हें संदेश के महत्व के बारे में जागरूक होना होगा ताकि वे इसे उचित रूप से व्यक्त कर सके। ठीक है, अब मुझे जब आपको पता है कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उस तरह से आपको ट्रीटमेंट देना है, उस तरह से मुझे आपको बताना है कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको जागरूक होना पड़ेगा कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, संरचना, स्रोत को संदेश की उचित संरचना करनी होगी ताकि वो सुनिश्चित हो सके कि प्राप्तकर्ता इसे सही ढंग से समझ सके। अब मान लो संरचना का एक स्ट्रक्चर होता है हर चीज का, अब मान लो मेरी पीपीटी कहीं यहाँ बिखर रही है, कहीं यहाँ बिखर रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मैंने इसमें यहाँ से लाल कर दिया, कहीं नीला कर दिया, कहीं ब्लैक कर दिया, आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, मेरी लाइनें ऊपर नीचे जा रही है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है आपका, सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक होता है आपका स्ट्रक्चर का मतलब। अब इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं, एक लाइन मेरी यहाँ है, एक लाइन मेरी यहाँ, तो कहाँ समझ पाओगे फिर आप। ठीक है, द सोर्स हैज टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर होना चाहिए द मैसेज टू एंश्योर द रिसीवर विल अंडरस्टैंड इट करेक्टली। स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि जो रिसीवर है, फॉर एग्जाम्पल यू एंड मैं क्या हूँ, सोर्स, सोर्स मतलब सेंडर, रिसीवर मतलब यू। ठीक है, आप लोग हो रिसीवर, तो आप लोगों को समझ आ सके इस तरह से मैंने पीपीटी बनाई हो, ये नहीं मेरी एक लाइन ऊपर जा रही, एक लाइन नीचे जा रही, तो क्या समझ आएगा आपको। या फिर पहले मैंने आपको लीनियर मॉडल करवा दिया, उसी के बीच इंटरेक्टिव करवा दिया, उसी के बीच ट्रांजेक्शन करवा दिया, फिर जो उसके अंडर आते हैं एरिस्टोटल करवा दिया, फिर बर्लो करवा लिया, ऑस्कूट करवा दिया, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर ही ना हो तो फिर कैसे समझोगे। कोड, All the elements, verbal and non-verbal, need to be accurate. If you do not want your message to get distorted and misinterpreted, तो आपका जो कोड है वो सही होना चाहिए। जहाँ पे वर्बल होना है वह वर्बल लगाओ, नॉन वर्बल आपको समझ आना चाहिए, मीन्स मेरा। ठीक है, यदि आप नहीं चाहते कि आपका संदेश विकृत हो, मीन्स भिन्न भिन्न हो जाए, कि किसी को समझ ही ना आए मेरा जो मैं मैसेज दे रही हूँ, और गलत अर्थ निकाला जाए, तो सभी तत्व मौखिक और गैर मौखिक स्टेक होने चाहिए। क्लियर है जी, ये है जी आप लोगों का कोड। ठीक है, जो कि आपके मैसेज में इंक्लूड है। फिर आते हैं जी आपके चैनल, चैनल मैंने कल भी बता दिया था, हेयरिंग हो गया, टेस्ट हो गया, साइट हो गया, स्मेलिंग हो गया, टचिंग हो गया, सुनना, स्वाद, दृष्टि, सूंघकर और छूकर, ये आपके सारे चैनल आ गए। ठीक है, अब छूकर ये मैंने क्या बताया, टच स्क्रीन भी तो हो सकती है, जैसे कि हमारा फोन होता है। ठीक है, हम टच करते तो टच स्क्रीन से ही, जैसे मानो मुझे व्हाट्सएप चैटिंग करनी है, ठीक है, तो टच स्क्रीन है अब तो फिर मैं व्हाट्सएप में टच करूंगी, फिर व्हाट्सएप ओपन होगा, फिर मैं मैसेज लिखूंगी या फिर वॉइस मैसेज करूंगी। और सूंघ कर ये भी मेरा चैनल हो सकता है। ठीक है, स्मेल लेकर मैं किसी चीज का पता लगा रही हूँ, दृष्टि देख कर ओनली। ठीक है, स्वाद, सुनना, ये सारा आपका चैनल में इंक्लूड हो जाएगा, हेयरिंग, टेस्ट, साइट एंड स्मेलिंग एंड टचिंग। ओके,
रिसीवर तो आप लोग हो जी। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिससे स्रोत बात कर रहा है। मीन्स स्रोत का मतलब कौन है? सोर्स। और सोर्स कौन है? सेंडर। और इस टाइम पे सेंडर कौन है? प्रियंका। और रिसीवर कौन है इस टाइम पर? स्टूडेंट्स। ठीक है जी, रिसीवर आप लोगों और सोर्स मैं हूँ। संप्रेषित संदेश का गंतव्य, द डेस्टिनेशन ऑफ द कन्वेड मैसेज। ठीक है, संदेश को समझने के लिए प्राप्तकर्ता को स्रोत के समान ही तत्वों का उपयोग करना चाहिए जिनके पास संचार। अब देखो, अब मान लो जो मेरे पास सोर्स में थी, कम्युनिकेशन स्किल्स थी मेरे पास, ठीक है, एटीट्यूड था, नॉलेज था, स्ट्रक्चर था, कोड था, वो सारी चीजें रिसीवर के पास होनी चाहिए। ये बोलता है बर्लो, संचार कौशल हो गया, दृष्टिकोण ज्ञान होना, और उस सामाजिक प्रणाली संस्कृति से परिचय होना जिसमें संवाद हो सके। ठीक है, अब मान लो मुझे हिंदी आती है तो आपको भी हिंदी आनी चाहिए, तभी तो हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। जितनी नॉलेज मेरे पास है आपके पास भी उतना आपको समय। अब मान लो मेरे पास, मैंने की है मास्टर्स पोस्ट, ठीक है, और दूसरे जिससे मैं बात कर रही हूँ या जिससे मैं अपने टॉपिक को शेयर कर रही हूँ, वो ओनली ये सेकेंड पास है, सेकेंड और थर्ड का बच्चा, तो बैठेगी क्या बात? ये क्या बल्लो का क्या कहना था कि सेम है, जो रिसीवर है और जो आपका सेंडर है वो दोनों सेम है, दोनों के पास सेम एटीट्यूड है, सेम नॉलेज है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम उनका सोशल सिस्टम है, सेम उनका कल्चर है। क्लियर है? सेम सेम है वो, इसलिए वो बोलते कि फीडबैक की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम सेम है। जैसे आप लोग बोलते हो ना यार वो मुझे बहुत समझता है, या फिर मैं उसको बहुत समझती हूँ, या मेरे मदर मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, या मेरे फादर मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, या मेरे फ्रेंड मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, इसका क्या मतलब है कि आप लोगों में सिमिलरिटीज पाई जाती है, इसीलिए आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। क्लियर है जी? ओके, अब देख लो, दे शुड हैव सिमिलर कम्युनिकेशन स्किल। जो कम्युनिकेशन स्किल सोर्स की है वही कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट की होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी कम्युनिकेशन, ठीक है, और सेम आप लोगों की कम्युनिकेशन, एटीट्यूड हमारा सेम है। मैंने भी आप लोगों को नेट क्वालिफाइड करवाना है, आप लोगों का भी यही है कि आप लोगों ने नेट क्वालिफाइड करना है। नॉलेज हमारी सेम है, मतलब मिलती जुलती है, मास्टर्स करके आए हो, ठीक है, मास्टर्स करके आए तो मिलता जुलता है हमारा सिस्टम। एंड एक्वाइंटेड विद द सोशल सिस्टम हमारा सेम है ऑलमोस्ट, हिंदी इंग्लिश। अब यहाँ पे होते कोई जापानीज बैठे, कोई तमिल वाला, तो मुझे लगता है नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है जिसको हिंदी या इंग्लिश समझना आती हो, उसने तो ये कोर्स परचेज ही नहीं करना था, पेड ही नहीं करना था। ठीक है, कल्चर हमारा ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, आप भी इंडिया के, हम भी इंडिया के है जी। क्लियर है? इन विच दे कम्युनिकेट। ओके जी, गुड। नेक्स्ट, ये हो गया जी हमारा कंप्लीट, बल्लो का मॉडल कंप्लीट हो गया है, SMCR। ठीक है, ये याद कर लेना प्लीज, आपसे चैनल के पूछे जा सकता है या फिर कुछ भी आप लोगों से। बस आपको सोर्स और रिसीवर का सेम रहने वाले कंपोनेंट्स, ठीक है, ओके जी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मॉडल, अब देखो, अब आता है जी हमारा इंटरेक्टिव मॉडल। लीनियर मॉडल तो हमारा कंप्लीट हो गया, लीनियर मॉडल तो हमारा कंप्लीट हो गया जी। 1 मिनट, पहले मैंने, ये आपका लीनियर मॉडल, ठीक है। लीनियर मॉडल क्या था? ये था आपका सेंडर, ये था आपका रिसीवर, एक ही टाइम पे मैसेज आएगा, वन वन वे था, नो फीडबैक था, मास कम्युनिकेशन था। और इसके अंदर हमने कौन सा किया? एरिस्टोटल किया, लॉस वेल किया, शैनन वीवर किया, और बर्लो का किया। ठीक है, अब चलते हैं हम इंटरेक्टिव पे। अब जो आपका इंटरेक्टिव मॉडल है ये कैसा मॉडल है? ये है जी आपका सेंडर, ये है जी आपका रिसीवर, और यहां से यहां को भी फीडबैक आएगा। अब इन्होंने बोला फीडबैक है, बट इन्होंने क्या बोला? फीडबैक है तो है, बट स्लोली है, लेट है, डिले है। फीडबैक तो है बट स्लोली है, लेट है, डिले है। मींस मैं जब बोलूंगी, पहले मैं बोलूंगी, आप उस टाइम सिर्फ सुन रहे होंगे, आप उस टाइम ओनली रिसीवर होंगे, फिर जब आप बोलेंगे मैं उस टाइम सिर्फ सुन रही होंगी। क्लियर है? तो इनका मतलब ये था, ये एरो, ठीक है, ये एरो द इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एनकोडिंग डिकोडिंग। नॉइस भी है, मैसेज फीडबैक भी है इसमें, ठीक है, फिजिकल कंटेक्स्ट हो गया, साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट हो गया, सेंडर रिसीवर, और सेंडर एंड रिसीवर आप देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से होगा, टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। हाँ जी, टू वे कम्युनिकेशन, फीडबैक यहाँ पे यस कर दिया जी इन्होंने। लीनियर मॉडल में तो बोला नो फीडबैक, यहाँ पे इन्होंने बोला हाँ जी रिप्लाई तो देंगे जी, पर पहले आपकी बात सुनेंगे, उसके बाद ही रिप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे हम रिप्लाई जल्दी जल्दी में, नहीं, हम तो पूरी बात को सुन के फिर ही रिप्लाई करेंगे। जब तक मैम बोल रहे तब तक हम बात को सुनेंगे मैम की, जब हम मैम की बात को सुन लेंगे और जैसे ही मैम चुप होंगे फिर हम रिप्लाई करेंगे जी। ठीक है, नहीं, सेम टाइम पे नहीं होगा किशन जी, सेम टाइम पर नहीं होगा, सेम टाइम पर आपका ट्रांजेक्शन मॉडल होगा।
ट्रांजैक्शनल मॉडल होगा जी सेम टाइम पे, ठीक है। ये सेम टाइम पे नहीं होगा, यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन सॉरी जो आपका फीडबैक है, हाँ कम्युनिकेशन भी बोलो, जो आपका फीडबैक है वो स्लो है, लेट है, थोड़ा डिले है इंटरेक्टिव में, क्लियर है। चले नेक्स्ट, सेम टाइम पे ट्रांजेक्शन मॉडल है, यहाँ तो वही ना सेंडर, ना सेंडर को चैन है अपनी बात बोलनी जल्दी जल्दी से, ना रिसीवर को चैन है जल्दी जल्दी से इन्होंने कम्युनिकेट करना है, एक साथ रिप्लाई भी आ रहा है, फीडबैक भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ओके, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी आपकी, एक साथ हो रहा है जी, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन, कुछ टाइम बाद फीडबैक होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इंटरेक्टिव मॉडल। अब देख लो, अधिक गतिशील मॉडल हिंदी में भी बता दें, नहीं तो फिर हिंदी वाले परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अधिक गतिशील मॉडल के रूप में संचार के इंटरेक्टिव मॉडल फीडबैक के साथ दो तरफा संचार को संदर्भित करता है। अब देखो, दो तरफा और एक तरफा था हमारा, हम तो जी एक ही तरफ रहेंगे, लीनियर। ये था जी हमारा एक तरफा, इंटरेक्टिव हमारा दो तरफा है और ट्रांजेक्शनल ऑल्सो हमारा दो तरफा है, ऑल्सो हमारा दो तरफा है। हालांकि प्रतिक्रिया एक साथ नहीं होती है, रिप्लाई एक साथ नहीं होता है, ठीक है जी, रिप्लाई एक साथ नहीं होता है, बल्कि धीमी स्लो और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होती है। इंटरेक्टिव मॉडल का उपयोग इंटरनेट आधारित और मध्यस्थ संचार, टेलीफोन, वार्तालाप, पत्र आदि में किया जाता है। रेफर्स टू वे कम्युनिकेशन विद फीडबैक, हाउएवर फीडबैक इज नॉट सिमल्टेनियसली, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल पूछा जाए तो फीडबैक इज सिमल्टेनियसली, मतलब सिमल्टेनियस का क्या मतलब होता है, सिमल्टेनियसली कि जब एक साथ रिप्लाई आता है बिना रुके, ठीक है, जब एक साथ बातचीत हो रही होती है, जल्दी जल्दी में बातचीत हो रही होती है, मीन्स हम फेस टू फेस है तो हम एक साथ रिप्लाई कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ चल रहे हो तो आप दोनों एक साथ बातचीत कर रहे हो, ठीक है, इमिजिएटली रिप्लाई हो रहा है, मीन्स सिमल्टेनियसली मीन्स आप लोग बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो वो आ जाएगा जी आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आप देख सकते हो PYQ जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे यूट्यूब पर, ठीक है, तो वहां पर ये शब्द दिया था, फीडबैक इज सिमल्टेनियसली, जो आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल का पूछा गया था वहां पे आना था। अगर इंटरेक्टिव मॉडल है तो फीडबैक इज नॉट सिमल्टेनियसली, ठीक है, प्रतिक्रिया एक साथ नहीं होती, प्रतिक्रिया एक साथ होती तो कौन सा मॉडल, ट्रांजेक्शनल मॉडल, और प्रतिक्रिया एक साथ नहीं होती तो कौन सा मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल। इंपॉर्टेंट है प्लीज, फीडबैक नॉट इन सेम टाइम, हाँ, और फीडबैक इन सेम टाइम सिमल्टेनियसली का मतलब, ठीक है, तो वो हो जाएगा जी आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल। इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट रादर स्लो एंड इनडायरेक्ट, अगर स्लो की बात आ जाए या इनडायरेक्ट की बात आ जाए तो इंटरेक्टिव, और अगर फास्ट की बात आ जाए या फिर स्पीड की बात आ जाए या फिर डायरेक्ट की बात आ जाए तो ट्रांजेक्शनल मॉडल कर देना, धीमी, ठीक है। और अगर आपकी हिंदी में क्या बोलेंगे हम, तेज बोलेंगे, तेज बोलेंगे, ठीक है, और अप्रत्यक्ष को क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष बोलेंगे, तो ट्रांजेक्शनल मॉडल कर देना। इंटरेक्टिव मॉडल आर यूज्ड इन इंटरनेट बेस्ड, ये इंपॉर्टेंट है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी के थ्रू मध्यस्थ चाहिए हमें, ठीक है। अब मध्यस्थ का क्या मतलब बनता है, मुझे आपसे बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी है, तो बीच में क्या हमारे बीच में मध्यस्थ करेगा, अभी तो हमारा वाईफाई है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, ये हमारे लिए क्या है, ये मध्यस्थ है जिन्होंने हमें और आपको जोड़ा है। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है फोन पर, ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे डायरेक्ट बात करनी है मीन्स एक तरह से मुझसे फोन पे, तो क्या चीजें जिससे हम बातचीत कर पाएंगे, फोन है, टेलीफोन है, ठीक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तो इन चीजों से हम बात कर पाएंगे, वार्तालाप, पत्र हो गया आदि। अब पत्र में आप लोगों को, अब देखो लेटर पहले जमाने में होते थे, अब तो कौन ही भेजेगा लेटर, अब तो व्हाट्सएप पे चैटिंग चलती है। क्या रिपीट करें जोया जी, इंटरेक्टिव मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल सेम टाइमिंग पे नहीं है, स्लो है और इनडायरेक्ट है, टू वे कम्युनिकेशन है, फीडबैक है इसमें, ये लीनियर मॉडल की तरह नहीं है, एक तरफा नहीं है, दो तरफा है, और यहाँ पे मध्यस्थ का यूज होता है, मीडिएटेड का, मीडिएट का मतलब होता है जब दो लोगों को एक चीज जोड़ती है आपस में, मीडिएट, मध्यस्थ का क्या मतलब होता है, जब दो लोगों को जैसे शादी के लिए नहीं होता है एक बिचवैया बीच में, पुराने जमाने में नहीं होते थे बिचवैये जो दो लोगों का रिश्ता करवाते थे शादी के लिए, मीडियम, मध्यस्थ, मीडिएटेड,
दो लोगों के बीच बातचीत करने के लिए आजकल क्या है, टेलीफोन है हमारे पास तो जी, किसी के घर जाने की जरूरत नहीं, हम तो टेलीफोन पे काम चला लेंगे। ठीक है, मास मीडिया लीनियर मॉडल में यूज होगा। मास मीडिया लीनियर मॉडल में यूज होगा, इसमें नहीं होगा। इंटरेक्ट करना एक दूसरे के साथ, टेलीफोन कन्वर्सेशन लेटर्स। अभी भी होते हैं बिचुअला शादी, आजकल तो मुश्किल ही है बिचुए, बिचुअल क्या बोलते हैं, क्या बोला था मैंने, बिचोला। आजकल तो मुश्किल ही, आजकल तो खुद ही देख लेते हैं लोग, रेयर हाँ होते होंगे बट आजकल खुद ही देख लेते हैं। स्लो इन, ओके ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों को? तो मध्यस्थ क्लियर हो गया, मीडिएटेड ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आया था PYQ, उसमें अभी मीडिएटेड वाला इंटरेक्टिव मॉडल पूछा गया था, अगर जिन्होंने मेरी यूट्यूब की वीडियो नहीं देखी है देख लेना, PYQ में ये भी क्वेश्चन बना था, मीडिएटेड वाला इंटरेक्टिव मॉडल में पूछा गया था ये, और सिमल्टेनियसली वाला ट्रांजेक्शनल मॉडल में पूछा गया था, ऑनलाइन का जमाना। हाँ, तो वो भी मीडिएटेड ही हो गया, किसी ने किसी के थ्रू तो बिचौलिया, पहले इंसान होता था अब फोन है बिचौला बीच में जो दो लोगों को मिलवा देता है। ठीक है, हाँ जी, मीडिएटेड का मतलब बिचौला हो गया आपका, ठीक है, मध्य दो लोगों को मिला देता है। ये निमोनिक इसलिए देते हो ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में याद रहे, ऐसी ऐसी चीजें याद रहती है, मुझे पता है तुम्हारा, ऐसी ऐसी चीजें तो तुम याद रखोगे। मीडिएटेड का मतलब अब मैं मध्यस्थ बताऊंगी, नहीं उतनी अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। अब मीडिएटेड का मतलब बताऊंगी, दो लोगों को जोड़ना, नहीं आपको ध्यान में रहेगा, बट अगर मैंने बोल दिया ना दो लोगों को शादी के लिए जोड़ना, बिचौलिया या फिर बिचोला, ठीक है, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से याद रहेगा एग्जाम के टाइम में कि बिचोला है मीडिएटेड तो। ओके हाँ जी, बीच का बंदर, ठीक है, और क्या बोलूँ, अब खेलते थे ना बचपन में, बीच का बंदर होता था एक, यहाँ पे बॉल, यहाँ पे भी बॉल, पर वो तो अलग करता था, बीच का बंदर बॉल पकड़ता था। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट द मेन एलिमेंट्स ऑफ दीज मॉडल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट्स बोलो या फिर कॉम्पोनेंट्स बोलो, सेम ही है, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये तो देखो SMCR, ये तो आप लोगों को पता ही है कितना यूज हो रहा है, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, ये तो होना ही होना है, हर हर कम्युनिकेशन में ये तो यूज होना है, क्योंकि देखो एक सेंडर तो डेफिनेटली रहने वाला है, रिसीवर डेफिनेटली रहने वाला है, ये तो होना ही है। अब फीडबैक की जगह वहां पे क्या था आपका, इफेक्ट था, ठीक है, लीनियर मॉडल में आपका क्या था, इफेक्ट था। अगर फीडबैक भी था तो वो फीडबैक कैसे वाला था, इफेक्ट वाला था, ठीक है। अब यहाँ पे फीडबैक है जी, यहाँ पे रिप्लाई होने वाला है, मीन्स कि ये रख लो आप, अगर ये सेंडर है, ध्यान देना प्लीज, ये सेंडर है, ये मैसेज है, ये चैनल है, ये रिसीवर है, और ये आपका फीडबैक है। अगर हम लीनियर मॉडल की बात करें तो फीडबैक है, ठीक है, मीन्स इफेक्ट। बट अगर हम इंटरेक्टिव या आप लोगों की ट्रांजेक्शनल मॉडल की बात करें तो ये जो फीडबैक है ना, ये यहाँ से यहाँ जाने वाला है, ओके, ये अपनी बात को बोलेंगे। बट अगर लीनियर मॉडल की बात करें तो मैंने जैसे बताया था कि मैंने COVID-19 पे प्रचार किया, भाषण दिया, और मैंने क्या देखा कि किसी ने मुझे रिप्लाई तो नहीं किया, बट मैंने क्या देखा कि सभी मास्क लगा के घूम रहे थे, इट मीन्स कि उन पर मेरी बातों का इफेक्ट पड़ा। मैं NTA आपको नेट का पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने आप लोगों ने रिप्लाई तो नहीं किया कि मैम हमें समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ भी आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, बट मैंने क्या देखा, जब रिजल्ट आया तो आप लोग नेट क्वालिफाइड, JRF क्वालिफाइड कर गए, इट मीन्स कि मेरा पढ़ाने का आप पे इफेक्ट पड़ गया, ठीक है। मैम कुछ नहीं समझ आ रहा है, सेकेंड डे है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आ रहा है, अमरदीप जी कुछ भी नहीं आ रहा समझ की आ रहा है। अगर जिनका सेकेंड डे है, जिनका फर्स्ट डे है, वो क्या करे कि मेरी क्लास को देख ले लाइव पहले, सॉरी रिकॉर्डेड क्लास देख ले जो अभी तक कम्युनिकेशन की हुई है, ठीक है, क्योंकि हम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने सेंडर का कंसेप्ट सीख लिया, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये हमें सब कुछ पता है, कम्युनिकेशन हमें पता है कि कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल नॉन वर्बल सब कुछ पता है, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। जिनकी फर्स्ट क्लास है या फिर सेकेंड क्लास है, वो प्लीज प्रीवियस क्लास को देख ले, बीच में आओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बीच में आओगे तो भाई फिर बीच का बंदर बन जाओगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज आप लोग क्या करें कि प्रीवियस क्लास को देख ले, रिकॉर्डेड क्लास को देख ले एक बार,
अमरदीप जी, और जिनके भी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास है वो प्लीज प्रीवियस क्लासेस को देख लेना। ओके जी, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हम काफी कवर करवा चुके हैं, अभी आपका इंटरेक्टिव मॉडल चल रहा है। मिलती ही नहीं, शो ही नहीं होती। ओहो, ऐसे कैसे शो नहीं हो रही है? कंटेंट, सॉरी, किस में जाओगे आप लोग? लाइव क्लास में जाओ, वहां पे होती है ऐसे डिब्बी सी बनी होगी। मेरे पास तो ये शो होती है, स्टूडेंट के पास पता नहीं। लाइव क्लास में डिब्बी सी बनी होती है, वहां पे सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी आप लोगों को। ओके जी, जिनकी सेकेंड क्लास है, इस तरह से तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। फिर हम तो काफी आगे पहुंच गए, हमने तो इतने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, इंटरेक्टिव मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल समझ आ गया सभी को? क्या है इंटरेक्टिव मॉडल? लीनियर मॉडल और आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल। कम्युनिकेशन के मेनली आपके तीन मॉडल थे, एक था आपका लीनियर मॉडल, सेकंड था आपका इंटरेक्टिव मॉडल, थर्ड था आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल। मींस अभी ट्रांजेक्शनल पे हम नहीं पहुंचे। लीनियर मॉडल था आपका वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ सेंडर बोलेगा और रिसीवर ओनली सुनेगा। सेंडर सपोज मैं हूँ, ठीक है, सेंडर प्रियंका है, रिसीवर आप लोग हो, मींस प्रेषक और संप्रेषक। ओके जी, वहां पे नो फीडबैक था, कोई फीडबैक नहीं देगा, कोई रिप्लाई नहीं करेगा तुम्हारे मैसेज का। ओके, और आपका इंटरेक्टिव मॉडल क्या है कि फीडबैक तो है बट लेट फीडबैक है। मैंने आपसे फोन पे बात की, मैंने बोला हेलो, आपने बोला हेलो, मैंने पूछा कैसे हो, आपने बोला मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ जब मैंने आपको बोला, ठीक है, आपने सुनी मेरी बात को, फिर आपने रिप्लाई किया तो मैं चुप हो गई। इस तरह से मीन्स स्लो है और इनडायरेक्ट है। ठीक है जी, ये आपका इंटरेक्टिव मॉडल कि सेम टाइमिंग पे हम बातचीत नहीं करेंगे। हमें फेस टू फेस आपसे मिली होती, हमने तो तूफान मचा देना था बात करके। कुछ लोग होते ना, वो सामने वाले बंदे को बोलने का मौका ही नहीं देते, इतना बोलते कि सामने वाला बोल ही नहीं पाता। तो वो आना था ट्रांजेक्शनल मॉडल में। क्लियर है जी? ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। आइए इन मॉडलों के मुख्य तत्वों पर एक नजर डालें। तत्व ये है जी, इनके तत्व, प्रेषक संदेश, रिसीवर प्रतिक्रिया, अनुभव का क्षेत्र इंपॉर्टेंट है आपका, सेंडर मैं होगी, मैसेज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, किस बात पे मेरा मैसेज है, रिसीवर स्टूडेंट हो गए, फीडबैक आप लोग ही देंगे, किसको दोगे फीडबैक, सेंडर को दोगे। ठीक है, जब आपका रिप्लाई करोगे यस मैम हमें समझ आ रहा है, नो मैम हमें समझ नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं जी फीडबैक। अच्छा, अब मुझे ये बताओ इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपकी फीडबैक है, फीडबैक आपकी कम्युनिकेशन को कैसा बनाती है? फीडबैक आपकी कम्युनिकेशन को कैसा बनाती है? अगर आपकी कम्युनिकेशन में फीडबैक ही नहीं है तो क्या बोलोगे आप कि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन में बैरियर है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है? अगर फीडबैक नहीं है तो इफेक्टिव बनाती है आपकी कम्युनिकेशन को, यस। और अगर फीडबैक नहीं है तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। वेरी गुड, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा, तो फीडबैक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट लीनियर मॉडल वाले क्या बोलते हैं? मॉडल, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर मॉडल वाले क्या बोलते हैं कि फीडबैक की जरूरत ही कोई नहीं, हम मौका ही नहीं देंगे दूसरे को बोलने का, हम तो वही प्रचार करेंगे, बस स्टेज पे जाके प्रचार करना है, हम तो देखो हमारी बातों में इतना दम है कि हमारी बातों का इफेक्ट लोगों पर ऐसा पड़ जाएगा कि बस। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था लीनियर मॉडल में, नेता बिना सेंडर के कोई जा नहीं सकता स्टेज पे, जाएगा तो सेंडर जाएगा, सोर्स जाएगा, ठीक है, रिसीवर वाले तो रिसीव जिन्होंने करना है वो सिर्फ रिसीव करेगा। मेरे बिना हो जाएगी क्लास? कर लोगे आप लोग क्लास मेरे बिना? लीनियर मॉडल का एक और एग्जांपल दिया था मैंने कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों की चैट ऑफ कर दूँ इस टाइम तो लीनियर मॉडल में आ जाएंगे क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ जी, तो लीनियर मॉडल में भी यही है, सेंडर स्पीकर स्पीच, एरिस्टोटल ने जो दिया है। ठीक है, प्लीज देख लेना प्रीवियस क्लास को। हाँ जी, अब देखो आपने संभवत अनुभव के नए पहले ना देखे गए तत्व क्षेत्र पर ध्यान दिया। अनुभव का क्षेत्र किसी व्यक्ति की संस्कृति, पिछले अनुभव, व्यक्तिगत इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इसको देख लेना, खास नहीं है हम, मीन्स की जिसका भी जो भी एक्सपीरियंस होता है, ये सभी कारक प्रभावित करते कि प्रेषक संदेश कैसे बनाता है, साथ ही प्राप्तकर्ता इसे कैसे लेता है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति संचार स्थितियों में अनुभव का एक अनूठा क्षेत्र लेकर आता है। हम पहले ही संचार के सबसे उल्लेखनीय इंटरेक्टिव मॉडल का उल्लेख कर चुके हैं, अब समय आ गया कि हम उन पर अधिक विस्तार से, ये ठीक है बस, इसमें नहीं खास। अब देखो, अब जो आपका इंटरेक्टिव मॉडल है,
ये सबको समझ आ गया कि इंडक्टिव मॉडल के यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ये वाला। हालांकि प्रतिक्रिया एक साथ नहीं होती है बल्कि धीमे और अप्रत्यक्ष होती है। इंडक्टिव मॉडल का उपयोग मीडिएटेड, ठीक है, इंटरनेट बेस्ड एंड मीडिएटेड कम्युनिकेशन, टेलीफोन कन्वर्जेशन, लेटर एक्सेट्रा, इंपॉर्टेंट है ये वाला यहाँ से, ठीक है। और टू वे कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंटरेक्टिंग, जो आपका इंटरेक्टिव मॉडल है उसमें कौन से मॉडल आते हैं? एक तो आ गया जी आपका द ऑस्गुड शेरम मॉडल, शेरम मॉडल, द ऑस्गुड शेरम मॉडल इंपॉर्टेंट है। और एक आ गया जी आप लोगों का वेस्टली एंड मैकलिन मॉडल, ठीक है ये वाला, वेस्टली एंड मैकलिन मॉडल, ये वाले आ गए जी आपके इंडक्टिव मॉडल में। जैसे कि हमने देखा जो आपका लीनियर मॉडल था, ठीक है, ये था जी आपका वन वे, नो फीडबैक, और मास कम्युनिकेशन में ये यूज हो रहा था। मास कम्युनिकेशन मीन्स ह्यूज, ठीक है, नेता, नेता के पास कितनी पब्लिक होती है प्रचार करने के लिए। लीनियर मॉडल में था आपका एरिस्टोटल, आपका शैनन, आपका लासवेल और आपका बर्लो। इंटरेक्टिव मॉडल है जी आपका टू वे, और जो फीडबैक है आपकी कैसी है? स्लो है। यहाँ तो ये बोल रहे नो फीडबैक, ये बोल रहे स्लो है, इनडायरेक्ट है, मीडिएटेड है जी आपकी कम्युनिकेशन, बिचौला है जी यहाँ पे, दो लोगों के बीच रिश्ता करवाने के लिए, ठीक है, दो लोगों को मिलाने के लिए मीडिएटेड। मीडिएटेड कौन है? आपका इंटरनेट है जी, आपका टेलीफोन है, कन्वर्जेशन है, लेटर्स है जो दो लोगों को मिलाएगी। टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे है। जो लीनियर है ये आपकी वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ सेंडर ही बोलेगा, बाकी रिसीवर तो सुनेगा। ओके जी, तो ये है जी आपका इंटरेक्टिव मॉडल। और इंटरेक्टिव मॉडल के अंडर अब हम देखते हैं तो ऑसगुड आएगा। दो ही मॉडल बताए जिसने, ठीक है, जो इसके अंडर आने वाले हैं। सबसे ज्यादा लीनियर मॉडल ने बताया, सबसे ज्यादा ये होशियार था, क्योंकि ये सेंडर है, सेंडर तो होते ही होशियार है क्योंकि सारा काम सेंडर का ही था। सबसे ज्यादा इसी ने बताया, ये लीनियर मॉडल बड़ा होशियार था, इसी ने सब कुछ करना था, तो चार मॉडल दे गया जी। अब इंटरेक्टिव मॉडल वाला रिसीवर भी चलो हमारा साथ दे रहा है तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तो ऑस्गुड बता दिया इसने, और ये वाला वेस्टली एंड मैकलिन का बता दिया, बस वेस्टली एंड मैकलिन का इसने बता दिया इंटरेक्टिव मॉडल ने। क्लियर है जी? स्लो, इनडायरेक्ट और आपकी फीडबैक, हाँ फीडबैक करोगे आप स्लो और इनडायरेक्ट और टू वे कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है, हाँ लास्वेल, शैनन एंड बर्लो। ओके, लीनियर मॉडल ने बड़े ज्यादा मॉडल दे दिए जी आप लोगों को, चार। इंटरेक्टिव ने दे दिए जी आपको सिर्फ दो, और ट्रांजेक्शनल मॉडल जो है इसने भी दो ही दिए है, इसने भी दो ही दिए, एक दिया इसने बर्लैंड का और एक दिया है इसने आपका डांस, नाचेंगे गाएंगे, ठीक है, डांसिकल ऐसा कुछ, वो ऐसे 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 करके, ठीक है, कि पहले छोटी सी बात होती है ट्रांजेक्शन मॉडल में, है ना, पहले हम जब किसी को नहीं जानते हम उससे कम बात करते, फिर जब हम जब जानना शुरू करते फिर हम दिन रात बातें ही करते रहेंगे, लो जी लो जी लो जी, इस तरह से कड़ी की कड़ी बनती रहती है फिर, ठीक है। कर ले अब इंटरेक्टिव मॉडल, ऑस्कुट, एक चीज ध्यान रखोगे, सर्कल, सर्कल मॉडल अगर पूछा जाए कि वो कौन होता है, ऑस्कुट होता है, एक चीज बताना है। एक्शन मॉडल और किसको बोला जाता है? एक्शन मॉडल, जल्दी से रिप्लाई करो, एक्शन मॉडल किसको बोला जाता है? कल ही करवाया मैंने ये, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ ठीक है, एक्स मतलब एग्जाम्पल, हाँ पहले थोड़े पहले पहले दिन ना कम बात करेंगे, फिर दूसरे दिन और बात, तीसरे दिन ओ वो इसको बोलते हैं डांस, जो आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल में है। लास्ट वेल, वेरी गुड। टेलीफोन, यार तुम बड़ा पढ़ के आए हो आज कि कल की सारी बातें याद है भाई, कमाल कर दिया, मतलब आज तो रिप्लाई ऐसे दे रहे हो ना एग्जैक्टली, बिल्कुल कोई कमी नहीं निकाल सकता आज आप लोगों में। टेलीफोन और आप लोगों का मैथमेटिकल और आप लोगों का सेकंड वॉर, वर्ल्ड वॉर, ये कौन से मॉडल में है जी? टेलीफोन, मैथमेटिकल और सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये कौन से में? वेरी गुड, कमाल कर दिया, मतलब क्या क्या खा के आए आज, क्या खा के आए हो भाई आज, कमाल कर दिया भाई आज तो आप लोगों ने। एक भी मेरे क्वेश्चन का मीन्स अभी तक मैंने स्टार्टिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे ना आप लोगों ने, एक भी बार किसी ने गलत आंसर नहीं दिया, एक भी बार किसी ने गलत आंसर नहीं दिया। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए आज आप लोगों के लिए, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने आज, एक भी बार किसी ने गलत आंसर नहीं दिया है, बस यूट्यूब में कमजोर, यूट्यूब पे कोई बात नहीं, हो जाओगे मजबूत, हो जाओगे। उस टाइम हमने मॉडल्स किए भी नहीं थे, जिस टाइम आप लोगों को मैंने PYQ करवाए है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताया था सिर्फ, हल्का हल्का। वेरी गुड ऑल ऑफ यू।
अब देखो, अगर आपसे देखो एक्शन मॉडल पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? लास्ट वेल। इफेक्ट पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? लास्ट वेल। ठीक है, टेलीफोन, मैथमेटिकल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, शैनन, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर शैनन। ठीक है, सर्कल अगर पूछा जाएगा ना, सर्कल की बात अगर करेगा तो ये कौन है? ऑस्गुड, जो ये गुड वाला है ना भाई, इसने बनाया जी सर्कल, ये वाला सर्कल बनाया जी इसने, ये बनाया जिसने सर्कल, इंटरेक्टिव मॉडल में आता है ये ऑस्गुड। अब ऑस्गुड को हम निमोनी कैसे बनाएंगे? जो इंटरेक्टिव है ना, बड़ा गुड है वो, मीन्स कि अच्छा लगता है जब हम इंटरेक्ट होते हैं ना किसी के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है जी। ठीक है, तो जो आपका इंटरेक्टिव मॉडल है वो ऑस्गुड है, मतलब कि वो गुड है, हमें तो बड़ा पसंद है, ये इसका निमोनिक बनाओगे आप। ठीक है, इंटरेक्टिव मॉडल ये बनाओ, मुझे तो बड़ा पसंद आया जी इंटरेक्टिव मॉडल। ठीक है, तो बड़ा पसंद आया, पसंद को क्या बोलते हैं? गुड, वेरी गुड। जो हमें पसंद होता है हम उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। ठीक है, तो ये बनाओ निमोनिक ऑस गुड का। ठीक है, गुड को निकालो बाहर, और गुड किस में आया? इंटरेक्टिव मॉडल में, गुड एंड शैरन। अब जो आपका गुड है ये है जी सर्कल, सर्कल बड़ा प्यारा लगता है मुझे, किस किस को सर्कल बड़ा प्यारा लगता है? ठीक है, सर्कल है जी, हम तो सर्कल में बैठेंगे, ग्रुप में बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, सर्कल में बैठ के जैसे खाना खाते थे ना लंच टाइम में बचपन में, तो सर्कल में बैठ के खाना खाने का बड़ा मजा आता था अपने फ्रेंड के साथ। यहाँ से भी लंच शेयर किया, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, एक दूसरे की चपातियाँ खा लो, सब्जी खा लो, टेस्ट कर लो, इस तरह से। ठीक है, सर्कल में बैठेंगे जी बात करने। ठीक है, गुड है, इंटरेक्टिव मॉडल गुड है, और गुड क्यों है? क्योंकि हम तो सर्कल में बैठेंगे लंच करने। ठीक है, ऑरेंज पसंद है, इंटरेक्टिव मॉडल, हाँ गुड है, और गुड है तो हम ऑरेंज, हाँ ठीक है, जो भी आपने निमोनिक बनाना है। ठीक है, हम लंच करने बैठेंगे जी सर्कल में। अब यहाँ पे इनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर, अब ये चीज यहाँ पे इंक्लूड हुई है आपकी, जो नया शब्द हुआ है इनकोडर डिकोडर, ये तो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे, जब से हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। SMCR, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंडर रिसीवर मैसेज चैनल, सेंडर और मैसेज के बीच आता है जी आपका इनकोडर, और चैनल और रिसीवर के बीच आता है जी आपका डिकोडर, ये तो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बट इंटरप्रेटर ये आया जी आपका नया शब्द इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से बात चलेगी। ठीक है, फिर ये मेरा मैसेज है, कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कंटेंट या मेरा मैसेज क्या है? मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इनकोडर कौन है? सेंडर है। सेंडर कौन है? प्रियंका है। ठीक है, डिकोडर कौन है? स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट्स कौन है? रिसीवर्स है। ठीक है, ये इस तरह से चलेगा, इनकोडर, डिकोडर, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर सेम रहेगा, फिर यहाँ पे डिकोडर आ जाएगा, यहाँ पर इनकोडर आ जाएगा। मीन्स कि जब मैं आपको, आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो मैं हूँ यहाँ पे इनकोडर। ठीक है, और आप जब मुझे कुछ बता रहे हो तो आप हो फिर डिकोडर, और हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे का, एक दूसरे के साथ, जब मैं बोलूंगी तो आप चुप रहोगे, जब आप बोलोगे तो मैं चुप रहूंगी। ठीक है, लेट फीडबैक चलेगा यहाँ पे। क्या है? तेज जब पूछते हैं तब सर्कल बनाते हैं, तेज जब पूछते हैं, हाँ जो भी आप लोगों ने फिर जो भी आप लोगों ने बनाना है निमोनिक वो बना। मैम एग भी होता है सर्कल में, एग सर्कल में, ऑल ऑल क्या होती है वो, ऑल उस शेप में होता है एग, ऐसी वाली शेप में होता है वो, सर्कल में नहीं होता, सर्कल तो आपका गोल होता है ना, ऑल कुछ बोलते हैं उसको ना, ये वाली शेप होती है एग की, सर्कल नहीं होता एग, ओवल कुछ, मैं भूल गई हूँ, कोई रिप्लाई कर दो, ओवल ओवल, हाँ ऐसा कुछ शेप होता है। ठीक है, ये है जी आपका ऑस्कुड। अब देखो ऑस्कुड में क्या बात है, टू इनको रहने दो, मेरे क्लियर बैक विद द ट्रेडिशनल लीनियर वन वे पिक्चर ऑफ कम्युनिकेशन, द मॉडल इज यूजफुल डिस्क्राइब इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बताओ जरा मुझे क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बताना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बताओ जल्दी से, इंट्रा भी बता ही दो, ट्रांजेक्शन, ट्रांसपर्सनल भी बता ही दो, इंटर, इंट्रा, ट्रांसपर्सनल भी बता ही दो, तीन बता दो, बाकी माफ। टू वे, टू वे, टू वे, टू वे का क्या मतलब है? शेयर द आइडियाज बिटवीन टू पीपल, इंट्रा वन वे। ठीक है, ओनली वन, वन वे मत बोलना ना, एक तरह से ये बोलना, अपने आप से बात करना। ठीक है, वन वे तो फिर आपका लीनियर में भी आ गया, सिर्फ टॉकिंग टू गॉड और उसमें। ठीक है, हाँ ट्रांसपर्सनल, स्पिरिट से, भूत प्रेत, ठीक है उनसे, एंसेस्टर, हायर अथॉरिटी, विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट, और आप लोगों का हायर अथॉरिटी हो गया, ये आ गया आपका ट्रांसपर्सनल स्पिरिट्स। वेरी गुड भाई, आज तो मतलब कमाल ही किया है आप लोगों ने ना, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो रिप्लाई करना रहा हो और गलत मैसेज कर रहा हो। ठीक है, हाँ सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बस समझ समझ गए हम आपकी भावनाओं को, आपको आता है, वेरी गुड।
वेरी गुड, समझ गई। मीडिएशन आपका किस में आएगा? इंट्रापर्सनल में आएगा मीडिएशन? नहीं, टॉकिंग टू गॉड और प्रे टू गॉड, और मेडिएशन आपका ट्रांसपर्सनल में आएगा। टॉकिंग, प्रे और मेडिएशन आपका ट्रांसपर्सनल में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब देखो, इंटरपर्सनल की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरेक्टिव मॉडल में, तो इंटरपर्सनल की तो बात करनी थी, क्योंकि जब इंटरेक्ट होना है तो किसके साथ इंटरेक्ट होगे? कोई चाहिए तो है सामने में बात करने के लिए। हम बोलते हैं ना, बड़ा इंटरेक्टिव जैसा है ये, मीन्स कि बड़ा बोलने वाला है, बातचीत करने वाला है, ठीक है? तो इंटरपर्सनल, डिस्क्राइबिंग इंटरपर्सनल सिक्रोनियस, एक मिनट, इंटरपर्सनल संचार के में यह मॉडल पारस्परिक समकालीन संचार का वर्णन करने के लिए, लेकिन यह ठीक है, और सिक्रोनियस कम्युनिकेशन बट लेस सुटेबल फॉर क्यूज विद लिटल और नो फीडबैक। अब यहाँ पे लिटल, ठीक है, लिटल का मतलब है स्लो फीडबैक है, यहाँ पे स्लो फीडबैक है। तो ऑस्गुड शैनन मॉडल इज अ सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है जी। इन विच मैसेज गो इन टू डायरेक्शंस, यही वाला, सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में होगा। जब सेंडर बोलेगा रिसीवर सुनेगा, और जब रिसीवर बोलेगा तो सेंडर सुनेगा। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, टू डायरेक्शन होगी, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए टू डायरेक्शन इंटरेक्टिव मॉडल, अगर पूछा जाए वन डायरेक्शन, तो कौन सा होगा आपका? लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल, ठीक है। टू डायरेक्शन कौन सा है आपका? टू डायरेक्शन कौन सा है आपका? लीनियर होगा। वन डायरेक्शन सिर्फ एक ही, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, वो सेंडर ही बोलता रहेगा, ठीक है जी। सर्कुलर मॉडल, ये प्लीज याद रखना, एक्शन टेलीफोनिक, और आपका सर्कुलर मॉडल किसको बोला जाता है? ऑस्गुड को। सर्कल बना के बैठेंगे जी हम खाना खाने, बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑस्गुड शैरम मॉडल संचार का एक गोलाकार मॉडल है, जिसमें संदेश दो दिशाओं में जाता है, ये वाली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है ऑस्गुड में। और ऑस्गुड किसने दिया है, किसके अंडर आता है आपका ऑस्गुड? इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर, क्योंकि इंटरेक्टिव मॉडल तो आपका गुड है, गुड है। और सर्कल बना के खाना खाने बैठेंगे। देखो क्या क्या निमोनिक बनाओगे, जो आपका इंटरेक्टिव मॉडल है ना, वो आपका ना गुड है, और गुड है तो हम जब खाना खाने बैठेंगे ना, तो हम सर्कल बना के बैठेंगे, बस सीधी सी बात है, ठीक है। खाना खाने बैठेंगे तो सर्कल बना के बैठेंगे, इंटरेक्टिव मॉडल हमारा गुड है, ओके। और क्लीन, क्लीन सी जगह में बैठेंगे हम, ऐसे नहीं गंदी गंदी सी जगह में बैठ गए, क्लीन, वो कौन सा है? मैकलीन, ठीक है, ये देखो मैकलीन, ठीक है। वेस्टली एंड मैकलीन मॉडल, ये भी आपका आता है इंटरेक्टिव मॉडल में। अब हमने क्या निमोनिक बनाया एग्जाम के टाइम के लिए, क्या याद रखोगे? जो तो देखो आपका इंटरेक्टिव मॉडल है, ये गुड है, गुड है तो हम सर्कल बना के बैठेंगे। अब जब हम सर्कल बना के खाना खाने बैठेंगे, ठीक है, और एक बच्चे ने बनाया था ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज में आपका सर्कल ही होता है, ठीक है, ऑरेंज खाने बैठेंगे, तो भाई क्लीन जगह में बैठोगे, कोई ऐसी थोड़ी गंदी जगह में बैठ जाओगे। हम कहीं भी जाते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने, तो हम क्या बोलते हैं? टेबल साफ सुथरा होना चाहिए। अब टेबल पे रखा होगा इतना गंद, बैठ जाओगे वहां पे खाना खाने? या आपके घर में किचन में गंद पड़ा होगा तो बैठ जाओगे खाना खाने? मैं तो जब तक अपने रूम की सफाई ना कर लूँ ना अच्छे से, मेरा तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। या फिर मेरे अगर बिस्तर बिखरे हो, कईयों में होता है ना कि हाँ वो हैबिट्स नहीं होती कि हाँ सुबह उठ के बिस्तर करना, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है अंदर से, ठीक है। तो ये है जिसका निमोनिक। इंटरेक्टिव मॉडल हमारा कैसा है? गुड है, गुड है, हम सर्कल बना के खाना खाने बैठेंगे, कैसी जगह में? क्लीन। बस इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर सिर्फ दो मॉडल आएंगे, एक आएगा आपका ऑसगुड, एक आएगा आपका वेस्टली मैकलीन, वेस्टली एंड मैकलीन, बस दो मॉडल आएंगे। लीनियर मॉडल की बात करो तो आ जाएगा जी आपका ए एरिस्टोटल आ जाएगा, लास लाश आ जाएगी, ठीक है, एरिस्टोटल आ जाएगा, लाश आ जाएगी आप लोगों की, शैनन आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, और आपका बर्लो आ जाएगा। चार मॉडल आ जाएंगे लीनियर में, दो मॉडल आ जाएंगे इंटरेक्टिव में, ठीक है, दो मॉडल आ जाएंगे आपके इंटरेक्टिव में, फ्रेश रहना चाहिए, हाँ जी, ठीक है, दो मॉडल आ जाएंगे आपके इंटरेक्टिव में। और अगर ट्रांजेक्शनल मॉडल की बात करें, ट्रांजेक्शनल में भी दो मॉडल आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका बनलैंड का, और एक आ जाएगा आपका नाचेंगे गाएंगे डांस वाला, भाई ट्रांजेक्शनल। अब क्या हुआ, इसका क्या निमोनिक बनाओगे ट्रांजेक्शनल मॉडल का? लास्ट में तो भाई डांस करेंगे, थैंक गॉड ये ट्रांजेक्शनल जो हम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे ना, कंप्लीट तो हुआ कम से कम। अब कंप्लीट कहाँ पे जाके हुआ? ट्रांजेक्शनल मॉडल पे जाके कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कंप्लीट हुआ बर्लैंड, ठीक है, बर्लैंड का हम क्या बनाएंगे? लैंड, लैंड बना लेंगे, ठीक है, ठीक है, एक अच्छी सी लैंड पे जाके हम तो नाचेंगे गाएंगे भाई,
ठीक है, अच्छी सी लैंड पे जाके, मीन्स खुला डुल्ला हो, हमारे पास जगह हो बड़ी नाचने गाने के लिए, वहां पे जाके नाचेंगे गाएंगे। क्यों नाचेंगे गाएंगे कि थैंक गॉड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, बर लैंड और डांस। ठीक है, अब डांस करना है, कहाँ डांस करेंगे, लैंड भी तो चाहिए डांस करने के लिए, हवा में थोड़ी नाचोगे, या आपके पास जगह ही नहीं, दूसरे के पाँव के ऊपर पाँव रख के थोड़ी नाचोगे, फिर जगह खुली डुली चाहिए ना, तो जगह खुली डुली चाहिए तो बर लैंड। ठीक है, ट्रांजेक्शनल मॉडल में दो ही मॉडल आएंगे, बर लैंड एंड डांस। इंटरेक्टिव क्लियर है और ट्रांजेक्शनल क्लियर है, ठीक है, डांस डांसिंग लैंड, हाँ डांसिंग लैंड कर लेना इसको, ठीक है, इस तरह से कर लेना इसका निमोनिक, सबके साथ सर्कुलर बनाना है और क्लीन जगह पे बनाना है इंटरेक्टिव। क्या रिप्लाई नहीं दिया, सच में मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है। अच्छा अच्छा एक मिनट, क्या रिप्लाई नहीं दिया राखी मिश्रा जी, काफी ऊपर चला गया मैं भी आपका मैसेज। राखी मिश्रा जी बहुत ऊपर चला गया मैसेज आपका, पता नहीं अब कहाँ होगा, सॉरी मैं पढ़ाने में बिजी थी इसलिए रिप्लाई नहीं दिया आपका। अब देखो, देयर आर फोर प्रिंसिपल्स इन दिस मॉडल, कौन से मॉडल में, ऑसगुड में, ऑसगुड में फोर प्रिंसिपल की बात कर रहा है ये। कम्युनिकेशन इज सर्कुलर, हमने बता दिया, सर्कुलर जगह में पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, सर्कल बना के पढ़ेंगे। अब देख लो, जिसका जहाँ मन होता है ना, वहीं वही चीज़ें मुंह से निकलती है, तो सर्कल मैं बोल रही थी खाने की बात, मैंने बोला सर्कल बनाकर पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकला। अब जो आपके अंदर होता है ना, वही आपकी जुबान पे आ जाता है एक तरह से। अब पढ़ने वाली बच्ची हूँ मैं तो, ठीक है, बच्ची तो क्या ही, चलो पढ़ने वाले बच्चे हैं हम, बड़े हैं, ठीक है, तो पढ़ने वाली बच्ची हूँ तो पढ़ने वाली बच्ची के मुंह से पढ़ने की बातें निकलेगी, तो सर्कल बना के मेरे मुंह से निकल गया जी, अभी पढ़ाई ऑटोमेटिकली निकला, मैंने बोल के नहीं गया। कम्युनिकेशन इज सर्कुलर, ऑसगुड, ठीक है। इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर चेंजिंग देयर रोल्स एंड इनकोडर एंड डिकोडर। अब जब ये बनाते हैं, जिस सर्कल बनाकर बैठे हैं, तो जब सर्कल में बैठे तो ऑब्वियसली बातचीत तो करेंगे, ऐसे चुपचाप थोड़ी बैठे रहेंगे, एक दूसरे की शक्लें थोड़ी देखते रहेंगे, जब एक दूसरे का लंच खाना है तो बात तो करेंगे, भाई चपाती दे, सब्जी दे, तेरी बड़ी टेस्टी है, मेरी मम्मा ने बनाई, तेरे भाई ने बनाई, भाभी ने बनाई, किसी ने बनाई, तो बातचीत तो करेंगे ऑब्वियसली। अब सर्कल बना के चुपचाप तो बैठेंगे नहीं गूंगों की तरह, ठीक है। अब कम्युनिकेशन इज इक्वल एंड रेसिप्रोकल, अब इक्वल है देखो, संचार समान और पारस्परिक है, दोनों पक्ष इनकोडर डिकोडर एक रूप में समान रूप से लगे हुए हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, पारस्परिक, इक्वल एंड रेसिप्रोकल। मैम पढ़ाई कैसे एग्जाम तक कंप्लीट करूं, कुछ टिप्स दिए तो अच्छा लगेगा। पढ़ाई जी हम आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे जी एग्जाम तक के लिए, डोंट फेरी, कंप्लीट करवाएंगे जी आप लोगों को, दिसंबर में आपके एग्जाम्स होने, कंप्लीट कोर्स में कंप्लीट करवाती हूँ, जो मेरे पास 5 यूनिट है डेफिनेटली आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी, और मुझे जहाँ तक पता है फिलर फॉर्म की पूरी फैकल्टी आपको दिसंबर तक कंप्लीट करवाएगी, ठीक है जी। ओके, रेसिप्रोकल बस पी वाई क्यूज के लिए मैंने आप लोगों को बोला है, पी वाई क्यूज के लिए बोला है कि बुक ले लेना फिलहाल, वैसे मैं करवा रही हूँ पी वाई क्यू, बट फिर भी मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि 150 की आएगी, बुक ले लेना पी वाई क्यू के, पी वाई क्यूज लगाओ जितना लगा सकते हो, अपने बिहाफ पे बोल रही हूँ मैं आप लोगों को ये, वैसे मैं करवाती हूँ पी वाई क्यू, बट फिर भी मैं आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ, लगा लो अपनी मेहनत, अगर आप और भी मेहनत करना चाहते हो तो पी वाई क्यूज लगा लेना। रिप्लाई दे दो मैम, पेपर टाइम सब भूल जाता है, मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए। देखो हमारा, हाँ, गॉड ने हमारा माइंड ऐसा बनाया कि हम सभी, आप ही नहीं टीचर भी इवन देन ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए उसके लिए। और मैंने आप लोगों को बोला लास्ट के टाइम रिवीजन करेंगे हम, ठीक है, डोंट टेक टेंशन, और हफ्ते में एक बार रिवीजन कर लिया करो, भूले कहाँ, भी इतने सारे बच्चों ने रिप्लाई दिए, कब करवा दिया था मैंने आपको, इंट्रा इंटर का, पर्सनल ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल, आप लोगों ने तो सबने रिप्लाई किया, क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो तुम। एक वो डायलॉग सुना है आप लोगों ने, अंडर एस्टिमेट वाला, कॉमन मैन, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन, ठीक बोल रही हूँ मैं, ऐसा ही है ना कुछ वो, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन, मे भी ऐसा ही है शायद कुछ, वो संडे को मैं बोल रही थी किसी को, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट मत करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ओके ऐसा ही है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है ओके। तो आपका देखो कम्युनिकेशन सर्कुलर है, कम्युनिकेशन इक्वल एंड रेसिप्रोकल है, ठीक है, सर्कुलर तो हमें पता लगी क्या, ऑस्कुट
सर्कल बना के बैठेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल होगी, इक्वल होगी। जब बैठेंगे तो हम सभी इक्वल होंगे जिस सर्कल में, तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इक्वल होंगे, बातचीत भी करेंगे, गूंगे बन के नहीं बैठेंगे। बुक आप लोगों की जो मेरे पास थी, प्रतियोगिता साहित्य थी मेरे पास, प्रतियोगिता साहित्य साहित्य। अब देखो, द मैसेज रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन, इनकोडिंग डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये बताया मैंने आपको, जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है आपका, इनकोडिंग डिकोडिंग इतने टाइम से पढ़ते हैं, इंटरप्रेटिंग बात कर दीजिए यहाँ पे इन्होंने। द इंटरप्रेटर इज अ पर्सन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज। अब इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है, कि मैं आपको अपने मैसेज को समझा पाऊँ, आप मेरे मैसेज को अच्छे तरीके से समझ सको, उसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना। हिंदी में क्या, दुभाषिया, वह व्यक्ति है जो संदेश को समझने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यह मॉडल दिखाता है कि जानकारी तब तक किसी काम की नहीं है जब तक उसे शब्दों में बयान ना किया जाए और दूसरे लोगों तक ना पहुंचाया जाए। अब देखो, जानकारी किसी काम की नहीं है जब तक मैं दूसरे लोगों तक ना पहुंचा पाऊँ। नेट मैंने क्वालिफाइड किया, JRF मैंने क्वालिफाइड किया, ठीक है, अब ये तब तक मेरे लिए बेनिफिट नहीं है जब तक मैं शेयर ना कर सकूँ अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इंटरेक्टिव में यही तो है, इंटरेक्टिव में बातचीत करना ही तो है, ज्ञान बांटना ही तो है, कम्युनिकेशन का तो मतलब ही है शेयर करना, बातचीत करनी एक दूसरे के साथ। इंग्लिश मीडियम बुक भी है, हिंदी मीडियम बुक भी है, ठीक है, मेरे पास तो इंग्लिश मीडियम है। प्रतियोगिता साहित्य ये थी मेरे पास, पेपर 1 ये वाली, सॉल्ड पेपर, NTA UGC नेट JRF सॉल्ड पेपर, ये वाली बुक, ठीक है, दिख रही है आप लोगों को? आई डोंट नो, दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिखी कि नहीं दिखी मैम? दूसरी क्लास, हाँ 8-1 हो गया, अब आप लोगों की सेकेंड क्लास है। इंटरेक्टिव मॉडल आपका कंप्लीट है, वेस्टली कल हम देखते हैं, ठीक है, और ट्रांजेक्शन कल नहीं, अब तो आपकी क्लास वेडनेसडे होगी, वेडनेसडे को पढ़ेंगे हम, वेडनेसडे को प्लीज़ हम ना कंप्लीट कर देंगे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर हम लास्ट में क्या, ट्रांजेक्शनल मॉडल करेंगे और डांसिंग लैंड, ठीक है, नाचेंगे गाएंगे कि मॉडल कंप्लीट हो गया, बल लैंड और आप लोगों का ये वाला, राखी मिश्रा पर्सनली बात करना चाहती हैं, सुन लीजिए। एक मिनट, कहाँ गए राखी मिश्रा जी आप? पर्सनली बात, वेट, बहुत ऊपर चला गया मैसेज आपका। अच्छा, चेन्नई एक्सप्रेस, राखी मिश्रा जी बहुत ऊपर चला गया मैसेज, और टाइम हो चुका है क्लास का, नेक्स्ट क्लास भी है बच्चों की, बहुत ऊपर चला गया मैसेज, एक बार रिप्लाई कर दो, एक बार और मैसेज कर दो, राखी मिश्रा की बात तो सुन के ही जाएंगे अब। बाकी आप लोग वो कर दो क्लास ना, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ राखी मिश्रा की बात सुनूंगी अब। हाँ जी, राखी मिश्रा करो जी रिप्लाई, बाकी लोग आप लोग कर लो, लेफ्ट कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देंगे, सिर्फ राखी मिश्रा की बात को सुनेंगे, सो डोंट वरी, रिप्लाई करो प्लीज़, बहुत ऊपर मैसेज चला गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू मैम, सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज, कॉन्टैक्ट नंबर तो अभी हम सेंड नहीं कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बनाने के लिए बोला है ना आप लोगों ने, एक्चुअली टेलीग्राम चैनल मेरा बना तो है, बट मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को ऐड कैसे करना है उसमें। मैम कुछ डाउट है मेरा, मैम मैं आपसे कॉल से पर्सनल बात करनी है। अच्छा ठीक है, तो बात करनी है, फिलर फॉर्म की चैट बॉक्स है ना, उसमें भी तो बात कर सकते हो आप मुझे, उसमें बात कर लेना राखी मिश्रा, मैं कई बार मैसेज करती भी हूँ फिलर फॉर्म पर, जो चैट है ना आप लोगों की फिलर फॉर्म वाली, जो आपको मिला होगा एक्सेस, कॉन्टैक्ट नंबर मैम, टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, सबका नंबर है ग्रुप में, बता दूंगा। अच्छा गुड्डू कुमार जी, ठीक है गुड्डू कुमार जी, ऐसा करते हैं कि वेडनेसडे को बताओ आप मुझे थोड़ा सा प्रोसेस, या फिर मुझे यूट्यूब पे सीखना पड़ेगा, मेरा टेलीग्राम बना है, ठीक है, टेलीग्राम मेरा बना हुआ है, और बट मुझे ये नहीं पता है कि सबको ऐड कैसे करना है, ना ही मेरे पास सबके नंबर है, कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे ये नहीं पता कि सारे स्टूडेंट्स को कैसे ऐड करना है, तो वो मुझे आप बता देना एक बार, ठीक है। हाँ जी ठीक है गुड्डू कुमार जी, और फिलर फॉर्म पे है मेरा वैसे ये चैट, अगर उस पे मुझे कोई कर सकता है मैसेज अभी, अभी तो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, फ्री हो के अगर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, तो चैट जो है फिलर फॉर्म वाला,
जो आप लोगों को फिलर फॉर्म का एक्सेस मिला है, वहाँ पे एक चैट की ऑप्शन आती है, वहाँ पे मुझे मैसेज करना, मुझे थोड़ा बता देना, ठीक है? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्लीज़ आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, 8:04 हो चुके हैं, दूसरों की क्लास का टाइम नहीं खाते हम, ठीक है? ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और PDF मिल जाएगी अभी आप लोगों को, ठीक है? 10 बजे तक PDF सेंड करती हूँ आप लोगों को मैं। बाय जी, बाय, गुड नाइट। मंडे को मिलते हैं, मंडे को प्लीज ज्वाइन कर लेना क्लास को। PYQ करवाऊंगी मंडे को यूट्यूब पर, 9 बजे 2022 की करवाऊंगी। हो जाए।